दुर्गा पूजा त्यौहार को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न। शांति समिति की बैठक कर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने दिए कई निर्देश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर होगी कार्रवाई। ज्वलनशील पदार्थों को लेकर बढ़ते सतर्कता। चतरा समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त श्री अबू इमरान एवं पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा त्यौहार को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों को त्यौहार के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग करने को कहा गया। साथ ही बैठक में लिए गए निर्णय का पालन करने को कहा गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों से उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने एक एक कर विधि व्यवस्था बनाए रखने संबंधी चर्चा किया एवं सभी से अपनी अपनी राय एवं सुझाव देते हुए सप्तमी से लेकर दशमी तक कुछ रास्ते को वन वे करने, विसर्जन जुलूस का समय सीमा तय करने, सफाई कर्मी नियुक्त करने, बैरिकेटिंग, लाइट, पेयजल की व्यवस्था करने समेत अन्य सुझाव दिए गए। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी से त्योहारों को लेकर प्रखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक एवं लाइसेंसी गैर लाइसेंसी पंडालों की जानकारी ली गई। त्योहारों में सक्रिय होकर विधि व्यवस्था बनाए रखने संबंधित निर्देश देते हुए सभी को त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर उस पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त द्वारा पूजा समिति मंदिर प्रबंधन समिति से अपील किया गया कि पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा अपने स्तर से लगाए। पंडालों में दो निकासी द्वार महिला एवं पुरुष, अग्निशामक पूजा पंडाल में वॉलंटियर पंडाल में बिजली कनेक्शन लेकर अच्छे से प्लास्टिक कोडेड तार लगाए जिससे अप्रिय घटना घटने से बचा जा सके। पंडालों में कूड़े कचरे न फैलाएं, किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ पंडालों में न रखें। सभी पंडालों में फर्स्ट एड किट जरूर रखें। समय का ख्याल रखते हुए नियम का पालन कर दुर्गा पूजा त्यौहार मनाएं। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने त्योहारों के दौरान गड़बड़ी करने एवं अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य न करे जिसे प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़े। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिले पर इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देने को कहा गया है एवं किसी को भी कानून हाथ में न लेने की बात कही गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी तालाब में डुबाव जल स्तर को चिन्हित करने का हुए बैरिकेटिंग करेंगे जिसे विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। पंडाल में अग्निशामक समेत निकासी द्वार को बड़ा एवं निर्धारित रखने को कहा गया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने पर संबंधित पूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ज्वलनशील पदार्थों को लेकर सतर्कता बरते। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी दुर्गा पूजा समिति मंदिर प्रबंधन समिति इस बात का विशेष ध्यान रखे कि पंडालों के पास आसपास ठेला खोमचक आदि में आग से कोई सामग्री न बनाई जा रही हो। ज्वलनशील पदार्थों को लेकर सतर्कता बरते। हवन के दौरान विशेष ध्यान रखे कि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। बैठक के अंत में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से समस्त जिला वासियों को दुर्गा पूजा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गयी।